हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागोरिया। कैसे हो दोस्तों आप सभी? दोस्तों आज मैं आपको फोन्स के अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा जो आपके फोन में जरूरी हैं और वो होनी चाहिए। देखिए, चाइनीज फोन इस वक्त भारतीय मार्केट पे हावी हैं, ठीक है। रेडमी, रियलमी या फिर ओप्पो, वीवो, शाओमी के जितने फ़ोन हैं या अदर जितने भी चाइनीज फोन हैं, इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि इंडिया और चाइना का इस वक्त डिस्प्यूट चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी है, तो ऐसे टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है कि वहाँ के की जो कंपनियाँ हैं या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन मोबाइल यूज़र्स के फ़ोन हैक ना कर सके या फिर यहाँ से डेटा चोरी ना कर सके। तो उससे रिलेटेड ही मैं कुछ आपको आज सेटिंग्स बताऊंगा जो आप कर सकते हो, आपके फ़ोन के लिए सिक्योर हैं और वो वैसे भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ चाइनीज़ ही नहीं, नॉन चाइनीज़ फ़ोन्स के लिए भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं लूँगा, प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फ़ोन में वो सेटिंग्स ज़रूर करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया दोस्तों। सबसे पहले सीधा चलते हैं हम प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में गए, लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आपको ये थ्री डॉट्स दिखने होंगे, थ्री लाइंस दिखनी होंगी, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए। उसके बाद आपको प्ले प्रोटेक्ट में जाना है, ठीक है। ये सिक्योरिटी, ये सेटिंग्स गूगल की तरफ से है दोस्तों, जो मैं भी बता रहा हूँ आपको। इस पर देखिए आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है लुक्स गुड, ठीक है। ये वो सेटिंग है, इसको आपने यहाँ से जो रिफ्रेश का बटन है इस पर क्लिक कर देना है और ये स्कैनिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों। ये वो सेटिंग है जो गूगल करता है जितने भी चाइनीज या हार्मफुल ऐप्स हैं जो आपका डेटा चोरी कर सकते हैं, डेटा इधर उधर कर सकते हैं, उनके लिए होती है। अभी जैसा भी स्टेटस होगा ये यहाँ पे बता देगा। अभी देखिए इसने स्टेटस बता दिया कि आपका फोन लुक्स गुड, नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे फोन में कोई भी हार्मफुल ऐप नहीं है, हमारा फोन अभी यहाँ पे ओके है, ठीक है। एक तो ये आप बार बार चेक करते रहिए, जब भी कोई आप फोन कोई ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये जरूर कर लेना चाहिए और हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको सीधा चलना है दोस्तों अपने फोन की सेटिंग में, ठीक है। फोन की सेटिंग्स में गए और फिर उसके बाद आपको जाना होगा ऐप्स के अंदर, ऐप्स के अंदर। उसके बाद दोस्तों आप गए परमिशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगेन परमिशन के अंदर, तो दोस्तों अब हम आ गए हैं परमिशन के अंदर। और तो ये सारी परमिशंस इस टाइप की, मतलब ये कैटेगरी है परमिशंस की जो हमारा फोन किसी भी दूसरे ऐप्स को देता है। सपोज कैलेंडर की परमिशन या कॉल लॉग्स की परमिशन, कैमरा की परमिशन, कॉन्टैक्ट की परमिशन। अगर आपको लगता है कि आप कोई चाइनीज फोन नहीं, चाइनीज ऐप नहीं डिटेक्ट कर पाए हैं, या आपको लगता है कि कोई ऐसा ऐप है जो परमिशन मांगता है या सही है या नहीं है, एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिनके पास आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन है, कैमरा की परमिशन है या फिर कॉल लॉक्स की परमिशन है। ये इंपॉर्टेंट परमिशंस होती हैं दोस्तों। देखिए लोकेशन की परमिशन, कौन कौन से ऐप्स। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन में कोई चाइनीज ऐप है और वो ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन उसके पास है, भले ही कभी गलती से आपने कर दी हो, तो आप यहाँ जाके चेक कीजिए कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए यहाँ पे आपके वो सारे ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपको दिखाती है कि इन इन ऐप्स के पास आपकी कॉन्टैक्ट की परमिशन है। सपोज ये देखिए शुरू में अमेजोन शॉपिंग के पास मेरे कॉन्टैक्ट परमिशन है, उसके पास कैलेंडर के पास है, ठीक है, क्लाउड कॉन्टैक्ट, डायलर, डियो, ठीक है, फिल्मोरा, ठीक है, इसके बाद जीमेल, गूगल प्ले सर्विसेज, इन सब के पास, इंस्टाग्राम, इनके पास मेरी उसकी परमिशन है। ये देखिए एम आई स्टोर, एम आई वीडियो, ये सारे चाइनीज ऐप है, इनको मैंने परमिशन नहीं दे रखी है। इसी तरीके से दोस्तों आप कॉल लॉग्स की परमिशन, आप तो दोस्तों होता क्या है कि जब भी कभी आप ये परमिशन ऑफ कर देते हैं तो आपका फोन, आपका जो डेटा है वो उन ऐप्स के साथ शेयर करना बंद कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपको अपने फोन को, अगर आप अपने फोन को सिक्योर करना चाहते हैं तो हमेशा अपने फोन में रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।